हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे रेलवे के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है, जितने भी पेपर सेट है उनमें जीएस, जीके और जीएस के अपन यहाँ पर लगा रहे हैं। और आज अपन बात करेंगे सेट नंबर 13 की बात करेंगे। ओके, जितने भी सेट मैंने अब तक करवाए हैं उन सभी वीडियोज़ का कलेक्शन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, जहां पर जीके और जीएस के क्वेश्चंस करवाए गए हैं अब तक। बिल्कुल अपन ओरिजिनल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे गए पेपर्स हैं। तो फटाफट जुड़ जाएगा सेशन के साथ में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। आज अपन जो सेट कर रहे हैं ये 11 जनवरी 2021 को पूछे गए क्वेश्चंस है। चलो आज पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अपन यहाँ पर जीके और जीएस के लगाएंगे। मैथ और रीजनिंग का अपन सेपरेट सेशन कवर करेंगे, इसलिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन, जो जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। ओके, देखते हैं जीके और जीएस का क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज अपन बात करें, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गीतात्मक कविता माई मदर एट 66, एक कविता है माई मदर एट 66, यहाँ पे अपने को बताना है यह किसके द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन कंप्लीट आपके सामने आ चुका है, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 यानी 66 साल की उम्र में मेरी मदर कहाँ पर है, यह एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा कमला दास के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। पहले क्वेश्चन का सही जवाब कमला दास के द्वारा एक कविता लिखी गई माई मदर एट 66। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन यह है कि इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्हीं के नाम पे सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार भी दिया जाता है। बताइएगा भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, इसका आंसर बनेगा दादा साहब फाल्के हैं। इसको भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा जगत है उसके फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर के संदर्भ में, छोटा कर लेते हैं साइज। ओके, यह आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डाटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई पेरिफेरल यूनिट से डाटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय किस रूप में जाना जाता है। बताएगा या तो देखिएगा कंप्यूटर के संदर्भ में चाहे अपने पास में कोई स्टोरेज डिवाइस हो या कोई पेरिफेरल यूनिट है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, पेरिफेरल का मतलब जो बाहरी है उसको बोलेंगे अपन। ओके, बाहर से कोई भी अपन चीज़ यूज ले रहे हैं उससे डाटा प्राप्त करने के लिए जो समय लिया जाता है उस समय को क्या कहेंगे, समझ गए क्वेश्चन को। कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस या किसी पेरिफेरल डिवाइस से डाटा प्राप्त करने के लिए जो समय लिया जाता है उस समय को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सेस टाइम। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, एक्सेस टाइम कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी एक्सेस टाइम। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय विवादों में, इंटर स्टेट जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं राज्यों के बीच में विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। बताएगा दो राज्यों के बीच में विवाद हो रहे हैं तो उनका निपटारा करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है, अपने को बताना किस आर्टिकल के तहत। तो इसका आंसर बनेगा आर्टिकल 263 के अंडर में एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है, आर्टिकल 263 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगामी क्वेश्चन आंसर दीजिएगा क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो सांची स्तूप है वह किस शहर में स्थित है। बताइएगा क्या आंसर बनेगा, सांची का स्तूप किस शहर में है, ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, आगरा या झांसी। मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है सांची का स्तूप और मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाएगी, मोस्टली फुल फॉर्म आ रही है, दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं फुल फॉर्म से संबंधित एग्जाम में। UNCED इसकी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास से संबंधित जो भी सम्मेलन है 1992 के अंदर हुआ, ब्राज़ील के अंदर हुआ, उसको किस नाम से जाना गया, आंसर बनेगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और ध्यान में रखिएगा इसका दूसरा नाम और है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में ही। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। ओके, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का।
रियो डे जेनेरियो ब्राजील में ही है। आगामी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 यह है, कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर कृषि और आपदा इस पर निगरानी के लिए IIT कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम बताएगा। इस नैनो सैटेलाइट का निर्माण किया कानपुर ने, IIT कानपुर ने। तो यहाँ पे आंसर बनेगा जुगनू, ऑप्शन नंबर बी जुगनू यहाँ पे सही जवाब है। और इसका उद्देश्य है कृषि और आपदा निगरानी, उद्देश्य कृषि और आपदा निगरानी, निर्माणकर्ता इसके IIT कानपुर, नैनो सैटेलाइट का नाम है जुगनू, ऑप्शन नंबर बी जुगनू यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, UN है इसके 8वें महासचिव बान की मून कहाँ के निवासी थे। देखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ रहे हैं, ओके बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं। UN के जितने भी महासचिव हैं उन पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद कर लीजिएगा 1 से लेकर 9 तक के महासचिव कौन है और वो कौन कौन से देश से बिलोंग करते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है हर शिफ्ट में मोस्टली। तो 8वें महासचिव है बान की मून और वह है दक्षिणी कोरिया से। वर्तमान में 9वें नंबर के महासचिव चल रहे हैं और 9वें नंबर का नाम है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में महासचिव है UN के। तो यहाँ पे बान की मून थे 8वें नंबर के, दक्षिणी कोरिया से बिलोंग करते थे। पहले नंबर के थे वो अफ्रीका महाद्वीप से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिणी अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था, किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिणी अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे फर्स्ट क्लास रेलवे डब्बे से बैठने से मना करने पर उनको बाहर फेंक दिया गया था दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। तो किसने टिप्पणी की कि दक्षिणी अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया, तो यहाँ पे आंसर बनेगा चंद्रन देवनेशन, चंद्रन देवनेशन। स्टेटमेंट किसका है या टिप्पणी किसकी है कि दक्षिणी अफ्रीका ने महात्मा को बनाया, टिप्पणी है चंद्रन देवनेशन की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किंग जॉर्ज पंचम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ओके, इनके स्वागत के लिए 1911 में, स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनवाया गया था किसके द्वारा। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किंग जॉर्ज पंचम, क्वीन मेरी, 1911, गेटवे ऑफ इंडिया, 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम में सभी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे पूछा गया गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक किस शैली में बनवाया गया, तो गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया गया इंडो सार्सेनिक शैली में, ऑप्शन नंबर डी इंडो सार्सेनिक शैली के अंदर बनवाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में। आधुनिक जो विद्युत जनरेटर वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मॉडर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर या आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो आंसर बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं, आंसर बनेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात स्थित जूनागढ़ की जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं वह किस प्रकार के आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका आंसर आपको दिख गए हैं, आंसर इसका बनेगा केसर। जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है, आम की किस्म है केसर, ऑप्शन नंबर ए केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है गिरनार की पहाड़ियाँ। गिरनार की पहाड़ियों में गिर नेशनल पार्क है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और गिरनार की पहाड़ियाँ केसर आमों के लिए, आमों की केसर किस्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, बताइएगा कौन सी नहीं है। देखिए ऑप्शन में से ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे ट्विटर एक सोशल साइट है, सोशल साइट है ट्विटर, ओके। तो पेपरफाई, फ्लिपकार्ट और जबंग एक ई शॉपिंग वेबसाइट है, ट्विटर एक सोशल साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी प्रकार से आपको ओरिजिनल जीके जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ओके। क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चंस आजकल किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। गन्ने के पौधे किसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है, तो
तो बताएगा गन्ने के गन्ने के पौधे होते हैं कौन सी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, गन्ने के पौधे कौन सी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं, तो आंसर बनेगा सूर्य के प्रकाश को। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे गन्ने के पौधे, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करेंगे गन्ने के पौधे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन या एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसकी स्थापना की गई 1957, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1957। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंप्लीट प्लेलिस्ट में कंप्लीट सेट देख लेना ये सब। एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है, एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्था के एक तो होता माइक्रो और एक होता मैक्रो, MACRO माइक्रो MICRO माइक्रो मैक्रो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के रूप में जाना जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को, ऑप्शन नंबर डी जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है, सही जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट है, आंसर दिख रहे हैं यहाँ पे, ओके कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, सह संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, एक एटम ए है एक एटम बी है, ओके इनकी बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉनों के आपसी साझेदारी से निर्माण होता है सहसंयोजक बंध का, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, ओके ये ए और बी के दो अलग अलग परमाणु है ए और बी, इनकी बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनके आपसी साझेदारी से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। क्वेश्चन कह रहे हैं सहसंयोजक बंध दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं कोष को प्राप्त कर सके, यानी ये सहसंयोजक बंध क्यों बनाते हैं, ताकि वह अपनी बाह्य कक्षा को कंप्लीट कर सके, बाहरी कक्षा है उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन दो हो या आठ हो, है ना, तब वह अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो बाह्य कोष को कंप्लीट कर सके, ओके तो सहसंयोजक बंध की जरूरत पड़ती है ताकि वह अपने बाह्यतम कोष को कंप्लीट कर सके। क्वेश्चन है आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता क्या कहलाती है, बताएगा आंख की फोकस दूरी को एडजस्ट करके पास की वस्तु और दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता क्या कहलाती है आंख की, वह कहलाती है समंजन, ऑप्शन नंबर सी वह क्षमता कहलाती है समंजन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, पहला गोलमेज सम्मेलन है वह कब शुरू हुआ, बताएगा पहला गोलमेज सम्मेलन कब शुरू होता है, क्वेश्चन का सही जवाब नवंबर 1930 के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर डी पहला गोलमेज सम्मेलन होता है नवंबर 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है भारत किस वर्ष परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और बाद में यही जाके भाबारक बनता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनता है यही जाके, फिर तो बारक का ही पुराना नाम है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग, ओके तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, इसका आंसर बनेगा अगस्त 1948 में की गई, ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, बताएगा सही जवाब क्या होगा इसका, लखनऊ किस कला के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ, तो इस क्वेश्चन का अपना सही जवाब बनेगा चिकनकारी, ऑप्शन नंबर सी चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ, ऑप्शन सी चिकनकारी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, स्वतंत्र पार्टी 1959, तो अब तक 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, सबसे पहले भारत रत्न तीन जनों को दिया गया था, पहला कौन सा था, एक नंबर पे जिसने स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक भी माना जाता है, तो आंसर बनेगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2019 में निम्न में से कौन से देश
यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आगामी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। किस देश को यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से? बताएगा किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया गया, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया गया किस देश को? तो इस क्वेश्चन का अपना सही जवाब बनेगा भारत को, ऑप्शन नंबर सी भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा दोबारा से, ओके, क्योंकि लेटेस्ट आएगा, फिर भी एक बार नजर डालिएगा। सोफिया केनिन। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता, सोफिया केनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहते हैं? दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को शॉर्ट में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन के संदर्भ में जो भी खातों का समूह है वह कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष आ रहे थे? तो प्लासी की लड़ाई होती है सन 1757 में, बक्सर का होता है 1764 में। सिराजुद्दौला हार जाते हैं 1757 में बंगाल का नवाब। कईयों के आंसर दिखेंगे आपको, कईयों के हाइड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 बताएगा, केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक जोन नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया, समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति की अध्यक्षता की गई बाबा कल्याणी के द्वारा, ऑप्शन बी बाबा कल्याणी। 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? 2018 दोबारा से आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर बनेगा नीरज चोपड़ा। उद्घाटन समारोह के लिए दौरान भारत का ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा, ऑप्शन ए। किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए किसके द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया? किसानों की त्वचा को कीटनाशक के प्रभाव से बचाने के लिए किस संस्था के द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया? उस संस्था का नाम है, ऑप्शन सी, स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। इस संस्था के द्वारा टॉपिकल जेल विकसित किया गया, यहाँ पे देख सकते हो, स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, इसके द्वारा टॉपिकल जेल विकसित किया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है? एकल चिप यानी सिंगल चिप, सिंगल चिप पर आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। न्यूमेरिकन एंड लॉगारिथमिक संचालन करने में सक्षम है, लॉजिकल और न्यूमेरिकल संचालन करने में सक्षम है। एकल चिप पर आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेसर है, इसका आंसर बनेगा माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो प्रोसेसर। 1929 की जो महामंदी है वह किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? 1929 की महामंदी, 1929 की महामंदी यह शुरू हुई थी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में। सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? बताएगा सहायक गठबंधन सन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? आंसर बनेगा वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि 1798 में गैर हस्तक्षेप नीति थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा।
क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किसने किया। क्वेश्चन दोबारा से भी आ सकता है, बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किसने किया। नाम क्या है? बॉन्ड आई नाम का दुनिया का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड, ये क्या है? ब्लॉकचेन बॉन्ड है। ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किसने किया? आंसर बनेगा वर्ल्ड बैंक ने किया। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ब्लू यानी नील, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया? नेशनलाइजेशन के बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, किस वर्ष? 1955 में, 1 जुलाई 1955। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। बताना है अपने को, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्यों का गठन होता है 2000 में, ऑप्शन नंबर डी, सन 2000 में गठन होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिलीट कर दिया बोर्ड ने। नेक्स्ट, मिट्टी का तेल या केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? लालटेन की बत्ती है अपने पास में, तो उसमें जो केरोसिन ऑयल ऊपर की तरफ चढ़ता है ये किस कारण होता है? क्योंकि ग्रेविटी के कारण तो कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आती है, गुरुत्व के कारण कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है, बट नीचे से ऊपर जा रही है तो इसको अपन क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को कहते हैं केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन, ऑप्शन नंबर बी, केशिकत्व प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्लड है वह एक प्रकार से किस प्रकार का ऊतक है? देखिए, मनुष्य के अंदर या जंतुओं के अंदर चार प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक तो कहलाता है एपिथीलियम ऊतक, एक कहलाता है आपका कनेक्टिव यानी संयोजी, एक कहलाता है आपका मस्कुलर और एक कहलाता है नर्व संबंधी तंत्रिका ऊतक। चार प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो रक्त है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। जंतुओं में चार प्रकार के ऊतक होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक और एक और होता है तंत्रिका ऊतक। चार प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जंतुओं में, ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछा गया, SLR की फुल फॉर्म बताइएगा। RBI बैंक है, बैंकों के संदर्भ में SLR, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म बनेगी आपकी ऑप्शन नंबर डी, स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नए जुड़े हो तो। इसी प्रकार के अपन सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, SSC में भी पूछे गए, GK GS आगामी, इसमें पूरे क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं। मैथ रीजनिंग की सीरीज अपनी अलग चलेगी, ओके। इस सीरीज में मैंने ओनली GK और GS का रखा है, ओके। इसी के साथ में ये अपने 100 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, ओके। बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, आज अपन इतना ही करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। इसी प्रकार के कंप्लीट जो भी एग्जाम्स हो रही है उसके अंदर जो जो GK और GS के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप लोगों को इसी तरीके से मिलते रहेंगे, जो आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय, टेक केयर।